हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनीज़ ब्लॉग में। तो मैं आपके साथ आज न्यू रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, गट्टे की सब्ज़ी, बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बैटर रेडी कर लेंगे गट्टे की। तो हम 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। फिर मैं उसमें डालूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये डालेंगे। और हम इसमें घी भी डालेंगे जिससे हमारा गट्टा सॉफ्ट हो। तो हम और थोड़ी सी अजवाइन जिसको हम हाथों की मदद से क्रश कर तब डालेंगे। और फिर हमें इसे मिला लेना है अच्छे तरीके से और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसे एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। हल्का हल्का पानी डालना है इसमें, ज़्यादा पानी डालने से ये गीला हो जाएगा। तो हमें कम पानी से इसे अच्छे से सॉफ्ट डो बना लेना है। देखिए इस प्रकार का बनाना है। और हाथ को धो लेंगे जिसके मदद से चपके ना, और हाथ में तेल लगा लेंगे, सरसों का तेल मैंने लगाया है। उसके बाद में फिर हम इसे एक शेप दे देंगे, लंबा लंबा करके हम इसे बिल्कुल कर लेंगे और इसे 3 या 4 पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और अच्छे शेप में डालकर फिर हम पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। और जब पानी हमारा बिल्कुल खौल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब हम इसे उसमें गट्टा डालना है। तो जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, हम यहाँ प्याज मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने प्याज को ये चॉपर में डाल लिया है और इससे मैं चॉपर की मदद से प्याज को बारीक कट कर लूँगी। ये चॉपर से बहुत अच्छा बारीक कट हो जाता है, देखिए। तो मैंने कट कर लिया है और यहाँ पानी भी उबल चुका है, अब मैं इसमें गट्टा डाल रही हूँ। तो इसे हमें पकाना है जब तक हमारा गट्टा बिल्कुल उबल कर ऊपर ना आ जाए बाहर, मतलब पानी के ऊपर ऊपर बिल्कुल उबलने लग जाए, तो हो जाएगा हमारा गट्टा रेडी। तो मैं मसाले में सबसे पहले यहाँ ली हूँ 3 से 4 चम्मच दही। दही में मैं मसाला ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले हमें देने हैं इसमें। और मसाले को हमें अच्छे से मिला लेना है दही में। दही में बिल्कुल लम्स ना नहीं रहना चाहिए, दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे मसालों के साथ में। और फिर रेडी हो गया हमारा मसाला। और हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम फ़ोरन डालेंगे। फ़ोरन में हम 2 तेज़पत्ता लिए हैं और 1 लाल मिर्च है। और हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे जैसे लौंग, इलायची और दालचीनी और थोड़ा सा जीरा। इन सबको डालने के बाद हमें पका लेना है थोड़ा सा बस, और ध्यान से वरना वो लौंग जो है उड़ जाता है। तो उसको मैंने ढक दिया था कढ़ाई में। और फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, जो बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। तो देखिए गट्टा उबल गया है अच्छी तरीके से। अब हम गट्टे को निकाल लेंगे पानी से और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और मैं जब तक मसाला भुना रहा है प्याज, तब तक मैं ये टमाटर कट कर लूँगी चॉपर में। और यहाँ मैंने निकाल लिया गट्टा, ये ठंडा हो रहा है। देखिए मैंने टमाटर चॉप कर लिया है मैंने। अब मैं ये टमाटर को प्याज में डाल दूँगी। उसके पहले मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे प्याज के साथ में। और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, कटे हुए जो है वो टमाटर डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा देर पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला और हम नमक डाल देंगे जिससे हमारा टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, पक जाए।
देखिए मैंने यहाँ पे गट्टा को कट कर लिया है पीस में, छोटे छोटे पीस में। और अब हम मसाला डालेंगे कढ़ाई में, और मसाला को हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। देखिए मसाला भून रहा है, तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें वो वाला पानी यूज़ करना जिसमें हमने गट्टा उबाला था, तो मैं वही पानी यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में, और बस उसे हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे पानी को, और फिर हम उसमें डालेंगे कटे हुए जो पीसेस करके गट्टे रखे हुए हैं वो। तो पानी को मैं यहाँ पे चला रही हूँ पकने के लिए, छोड़ दी हूँ। तो देखिए ये पानी बिल्कुल थोड़ा उबल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे गट्टा जो हमने पीस करके रख रखा है कट करके। तो उसमें गट्टा डालने के बाद हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जिससे हमारा गट्टा सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो गट्टे को भून भी सकते हैं तेल में, और बिना भुने भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ बिना भुने डाल रही हूँ, जिससे हमारा गट्टा सॉफ्ट रहे। और आप ग्रेवी इसमें सूखी कम ग्रेवी भी कर सकते हैं, गाढ़ी ग्रेवी, पतली ग्रेवी। तो मैं यहाँ नॉर्मल ग्रेवी रख रही हूँ, जिससे आप देखिए मेरी ग्रेवी जो है ना तो ज़्यादा गाढ़ी है ना ही पतली है, क्योंकि मैं चावल के साथ खाऊंगी, इसीलिए मैं ऐसी ग्रेवी रख रही हूँ। आप चाहे तो आप इसको कम पानी डाल के ग्रेवी गाढ़ी रख सकते हो। तो देखिए मैं सर्व कर आपको दिखा रही हूँ, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। एक बार इस तरीके से गट्टे की सब्ज़ी बनाकर देखिए, बहुत ईजी है, और ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी बना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।